नाम यूसुफ अली खान साहब, प्रेसिडेंट फीफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमात के जिम्मेदार हैं। आज मेरा उन्वान है एमएसएमई क्लस्टर। ये जो है मरकजी हुकूमत की एक स्कीम है, इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने इजहार ख्याल करूँगा। ये मेरा सेशन जो है इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, आप लोग जो है सवाल भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हो सकता है मैं आप लोग उसका जवाब दूंगा। अगर कुछ चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको मालूम करके उसका जवाब दूंगा। एमएसएमई आप तो जानते होंगे, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो है ना मरकजी हुकूमत के तहत एक एमएसएमई क्लस्टर के नाम से एक जो है ना स्कीम है, जिसमें जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एमएसएमई जो स्मॉल एंड माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो स्मॉल बिजनेसेस है, इनके लिए जो है मरकजी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसके तहत मरकजी गवर्नमेंट जो है ना आपको अप टू 90% ग्रांट देती है। लोन नहीं, ग्रांट। आप लोग समझ सकते हैं कि लोन आपको फिर वापस देना है, ग्रांट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की इमदाद होती है, इसमें आपको वापस नहीं देना रहता है, ये आपके लिए। तो ये स्कीम का मेन एम यही है कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो छोटे कारोबार जो लोग करते हैं उनको मुस्तहकम करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए और उनको जो है बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए ये मरकजी हुकूमत की एक पॉलिसी है। क्योंकि इंडिया में 40% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ स्मॉल बिजनेस से होता है, 40% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्मॉल बिजनेस से होता है। इसके लिए जो है मरकजी गवर्नमेंट में ये स्कीम जारी किया है। ये स्कीम तकरीबन 10 साल से है, रूबे अमल है, कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने लोग भी उठा रहे हैं, बाहर वाले भी उठा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको जो है तफसीली डिटेल दूंगा इंशाल्लाह। पहले आप जो है ना क्लस्टर क्या है वो समझिए। क्लस्टर जो है एक ग्रुप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस का नाम है। ये जो है स्मॉल जो ग्रुप है वो जो है सिमिलर बिजनेस करने वाले हैं और एक मकाम के रहने वाले हैं। ये लोग मिलके जो है एक क्लस्टर कायम करते हैं, मतलब एक ग्रुप कायम करते हैं और वो ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए उनको जो भी फैसिलिटीज की ज़रूरत है, जैसे अभी एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है निज़ामाबाद में राइस मिल बहुत ज़्यादा हैं, तो राइस मिल के जो रिलेटेड बिजनेसमैन हैं वो मिलके जो है एक ऐसी बड़ी राइस मिल डाल सकते हैं जिसमें जो है सारे राइस मिल वाले जो है एक साथ वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि उसमें बॉयल्ड राइस का है, उसमें जो है बहुत सारे जो है अभी नए नए जो टेक्निक्स आ रहे हैं, तो इसमें क्या है स्मॉल बिजनेस जो है वो उतना अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें जो है आप एक क्लस्टर कायम करके, क्लस्टर के तहत ये जो है एक अपन उसमें एक सिमिलर मतलब सबके काम के लिए जो है एक अलग से एक फैक्ट्री बनाना है। सीधा सीधा क्या है कि इसमें सबके लिए जो है सिमिलर, सबको उसमें जो फायदा है उनके लिए जो है ये बनाना है। इसमें जो है कम से कम 20 मेंबर्स है और मैक्सिमम 100 मेंबर्स तक है और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इमदाद दी जाती है वो 20 करोड़ तक की इमदाद दी गई। इसमें जो है मैं आपको एक बीदर, आप लोग नाम सुने होंगे, कर्नाटक का एक मुकाम है बीदर, वहाँ का एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे भी जो है ना ऑटो मैकेनिक, बीदर में जो है एक ऑटो नगर करके एक अलग एरिया है, वहाँ पे तकरीबन 200 से 300 मैकेनिक है, मैकेनिक शेड से अलग अलग। तो ये 200 से 300 मैकेनिक शेड वाले सब मिलके एक ऑटो क्लस्टर के नाम से एक इदारा कायम किए, जिसमें जो है ये लोग जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए, जिसमें जो है ना एक मैकेनिक जो अपने वर्कशॉप में काम नहीं कर सकता वो काम जो है वहाँ पे उनके जो फैसिलिटी सेंटर है वहाँ पे काम होता है। इसमें जो है वो मेन फैसिलिटीज जो बनाए उसमें जो है कंप्लीट ऑटोमेटेड पेंट शॉप है, फिर उसमें जो है बोरिंग का काम होगा और जो है फिर उसके पिस्टन्स वगैरह का, इंजन का जितना भी मेन काम है वो काम सारा जो है ना वो फैसिलिटी में होगा। तो इसके लिए जो है ये लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको 18 करोड़ रुपए का जो है ग्रांट सैंक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सब लोग जो है ना
सब मैकेनिक, इनको मेन अभी मैकेनिक का काम ये है कि वो काम लेना है और जाके अपने फैसिलिटी में काम कराना है। पूरी फुल्ली ऑटोमेटेड वर्कशॉप है, आपको जो है मैनुअली आप जो काम कर सकते हैं वो कंप्लीट अभी ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए से किया जा रहा है। ये बीदर का एग्जाम्पल है, सेम वैसा ही एक एग्जाम्पल कर्नाटक रायचूर से है, जहाँ पे जो है अंगूर ज्यादा वहाँ पे पैदावार होती है। तो वहाँ के किसान क्या करते थे, अंगूर मैनुअली जो है ना रोड पे सुखा के उससे किशमिश बनाते थे। तो इनकी वजह से इनके पास एक तो क्वालिटी नहीं आ रही थी और जो है ना उसका रेट नहीं आ रहा, तो सारे अंगूर के जो ताजरीन हैं वो सारे मिलके एक क्लस्टर कायम किए, जिसका जो है ना उसमें सेम वहाँ पे भी जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से 15 करोड़ का ग्रांट सैंक्शन हुआ। फिर एक ये लोग जो है अपना एक फैसिलिटी सेंटर बनाए, इसमें जो है ना अभी ये लोग पूरा कंप्लीट ऑटोमेटेड मशीनों के जरिए से जो है ना अंगूर को पूरा प्रोसेस किया जा रहा है और फिर उसके बाद उसकी किशमिश बनाई जा रही है। तो अभी इनको क्या है कि ये जो अभी इनका जो प्रोडक्ट का जो सेल हो रहा था 200 रुपये किलो ये बेच रहे थे, अभी ये लोग जो है 300 रुपये किलो बेच रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें ये क्लस्टर से ये फायदा, अभी हम लोग हैदराबाद में भी जो है ना एक फर्नीचर क्लस्टर कायम किए हैं, इसमें जो है ना कंप्लीट आप लोग नाम सुने होंगे, नाम बदले आसिफ नगर जिला वगैरह में बहुत सारे जो है मुस्लिम फर्नीचर मेकर्स है, ये पूरे जो है ना मैनुअली काम करते हैं, ये किसी के पास भी ऑटोमेटेड मशीन्स नहीं है। तो तकरीबन 66 लोगों को जमा करके हम लोग एक क्लस्टर कायम किए हैं, ये काम पूरा जो है ना रिपा के तहत हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो फाइल भी जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट चले गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ से जैसे ग्रांट अलॉट हो जाएगा, हम लोग जो है मियांपुर में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रहे हैं, जहाँ पे जो है ना कम्प्लीटली जो है सी एन सी मशीन वुड कार्विंग का CNC मशीन्स है, पाइप बिल्डिंग के CNC मशीन्स है, प्लाईवुड टेस्टिंग के CNC मशीन्स है, जिसमें जो है आप कम उसमें जो है ज़बरदस्त क्वालिटी का जो है आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये भी एक क्वालिटी ये फर्नीचर क्लस्टर है। सेम ऐसा ही एक क्लस्टर हैदराबाद में प्रिंटिंग फॉर्म का भी हुआ है, नॉर्मली आप जैसे प्रिंटिंग वाले हैं कार्ड्स विजिटिंग कार्ड्स जो भी लोग हैं, बट ये रिफा के तहत नहीं है, ये दूसरे लोग जो है ना मारवाड़ी लोग जो है एक प्रिंटिंग का क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें जो है ना ये लोग भी जो है अपना जो भी प्रिंटिंग का काम होगा वो कॉमन फैसिलिटी से प्रिंटिंग करवा सकते हैं। ये जो ग्रांट है इसमें जो है ना आप लोगों को जो क्लस्टर कायम किए हैं उन लोगों को जो है ना 10% अपने जेब से लगाना है, 10 पैसे आपको लगाना है, 90 पैसे गवर्नमेंट देगी, वो 10 पैसे जो है 10% आपको जो है आपके फैसिलिटी के लैंड की शक्ल में भी हो सकता, फैसिलिटी के शेड की शक्ल में भी हो सकता, या कुछ मशीनरी में भी जो है आप लोग उसमें अपना ग्रांट लगा सकते हैं। अगर आप किसी को भी अगर क्लस्टर के बारे में या क्लस्टर के डिटेल्स के बारे में अगर जानना है तो आप मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, या प्रोग्राम के बाद में भी जो है ना आप लोग मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो ये रहा क्लस्टर के बारे में, कुछ आप लोगों के सामने मैंने बयान किया है। मेरा नाम जो है ना मोहम्मद शुजाउद्दीन है, मैं संकरेड्डी से हूँ, और हम लोगों का जो बिजनेस है वो जो है ना प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स का बिजनेस है। जैसे कि मैं खासकर यहाँ पे नौजवान बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, मैं भी जो है अपना कुछ सक्सेस स्टोरी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैंने जो है 2006 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने MBA कंप्लीट किया। जैसे नॉर्मल नौजवानों का जैसा चलन है कि वो जैसे ग्रेजुएशन हो गया या MBA हो गया वो बाहर का रूप अख्तियार करते हैं, दुबई हो सकता है या सऊदी जैसे भी है। तो मैंने भी जो है ना 2006 में दुबई गया, वहाँ पे जो है जॉब की तलाश में 2 साल वहाँ पे जो है मेहनत की और विजिट वीज़ा पे गया था, तो वहाँ पे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर मैंने ये तय किया कि हम जो है इंडिया में बहुत सारे कर सकते हैं, 100 करोड़ आबादी इंडिया में बढ़ रही है, तो हम क्यों दुबई जाएँ। तो जो है मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, मैं जैसे ही बाहर से आया मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपये थे, 30,000 जो है 2008 में 30,000 रुपये से एक छोटा सा वर्कशॉप
मैंने यूनिसन इंजीनियरिंग के नाम से जो है शुरू किया। यूनिसन इंजीनियरिंग इसमें जो है ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है कंटिन्यूसली इस्तेकामत के साथ उसमें जो है मेहनत करते हुए उसको भी आगे बढ़ाते हुए आज जो है यूनिसन इंडस्ट्रीज के नाम से हम लोगों का एक फैक्ट्री है। अभी आप जो शेड में बैठे हुए हैं ये भी शेड हम लोग ही बनाए सो है, 2012 या 2013 में बनाए थे हम लोग ये शेड। तो हम लोग जो है इसी तरीके के इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बहुत सारे बनाते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंपनी का टर्नओवर जो है सालाना 15 करोड़ का है और 50 वर्कर्स हमारे पास काम करते हैं। तो बरम मेरी नौजवानों से ये ख्वाहिश है कि आप जो है मेरे पास इन्वेस्टमेंट कम है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास हौसला होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, NRIs है, बहुत सारे दूसरे लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी हैं बट उनको जो है मेहनत करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग आगे बढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है पीछे से रिफा भी आपके साथ में है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट का भी जो है इंशाल्लाह उसका भी इंतजाम किया जाएगा। आप लोग आगे बढ़िए, मेहनत करिए, जैसे कि अभी दूसरे साथी भी बताए कि आपको आगे बढ़ के मेहनत करना है, इंशाल्लाह जो है फिर आगे आपको जो है हम लोग गाइड करेंगे। जज़ाकअल्लाह। Thank you.